नाको जो तुम देख रहे हैं। सो दोस्तों नाको लेक इतों चाइना बॉर्डर बहुत नेड़े आ चेक पोस्ट नाको पहुंच गए। इधर अपने देखो पंजाबी बाबे नहाउन लगे हुए ने। वाटर क्रॉसिंग आ गई। होर जी ठीक ठाक। बस हुण जा की करते हैं। एक्चुअली दे विच नाको काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ। काजा तो बाद ताबो जो समधु वगैरह नू आउणा है ना तो हाइट आप नीचे नू ही आउणे आ। एकदम समधु तो अगे तुसी जो आउणे हो तो लास्ट 15 किलोमीटर असी चढ़ के आए। देख लो भी हुण उतर रहे हैं। पहाड़ बहुत डिफिकल्ट है। तो थोड़ा कम चल रहा सी कंस्ट्रक्शन का। बस हुण अगे नाको आ। आई थिंक इतों 2 किलोमीटर अगे तुहानू नाको जाके नाको लेक दे दर्शन कराने। वैसे तो लेक वो काफ़ी फेमस आ। जिन्हें भी हिमाचल च लेक्स ने सारिया मतलब उन्होंने लोग पूछते ने। पर हुण जिवें बारिश का मौसम लंघिया किते ना हो टोबा ही बनी पई हो। चलो पहुँच गए नाको लेक। फिर थोनों मिलते हैं। नाको आज थोनों देख रहे नाको विलेज है। वो आ गया नाको लेक से। लेक नीचे है जो कि देखने बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत ज़्यादा। तो आ गया हम नाको नीचे आ। लेक नीचे जा रहे हैं जिसे लेक आ। नीचे जाके थोड़ा तुर के जाना पैंदा पर बहुत सोहनी लग रही है लेक देखने बहुत ज़्यादा। साइड से मेरे पानी आ रहा जो लेक जा रहे थोड़ा दिखाने थले थोड़ा थोड़ा व्यू आ रहा लेक का। अमृत अगे लंघ गया। दोस्तों नाको लेक। एक्चुअली ये नाको लेक नू काफ़ी पवित्र मनिया जाता। इसनू पल्यूट नहीं कर सकते बाय एनी मीन। जे तुसी इनू पल्यूट करते हो तो आई थिंक 5 to 10,000 रुपया फाइन आ ते तुहानू शायद सज़ा भी हो सकती है। इस लेक च सिर्फ ग्लेशियर्स का पानी आता या नैचुरल जिहड़ा मीन हुंदा। होर इत्थे कोई भी किसी तरीके नाल कोई पानी नहीं इत्थे पल्यूशन नहीं कर सकता। जेकर तुम देखो तो इस 3 रंग दिख रहे हैं लेक दे विच। ग्रीन जिहड़े भी दरख्त खड़े ने उन्हां परछावां फिर आसमान बदल आ ते नेड़े जी मिट्टी आ। जो सुनिया इस लेक बारे वो सच आ। खैर हजे तो थोड़ा पानी घट गया इहदा देखो बट मई जून का महीना का बर्फ ज़्यादा पिघलती है ना तो फुल हुंदी है लेक उपर तक। रात फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे जूस वगैरह असों बाद उही खा रहे। बिस्किट बजे से हूँ ब्रेकफास्ट जो असं आही खाधा सी। हूँ अगे इतों आई थिंक 20 किलोमीटर अगे खाप संगम आ जितों सतलुज नदी शुरू हुंदी आ। उत्थे एक ढाबा आ उत्थे लंच करांगे। टाइम 12:40 हो गए। आपां वधिया स्पीड नाल आ गए ना। सुबह 7:15 असी काजा तो चले सी। बहुत वधिया स्पीड नाल आए सी। बस हुण इत्थों चलदे आ अगे। आई थिंक इत्थों कल्पा रिकॉन सुबह तो 111 किलोमीटर आपां ट्रैवल करता। हां सुबह तो 111 किलोमीटर वध करता आपां व्यू भी तां गए आ ए लालो 130 हो गया डबल का। हां 130 किलोमीटर पहाड़ां दे विच असी रुके भी आ ताबो फिर आपां गए ग्यू मोनेस्ट्री हैना। काफी आपां वधिया रहा जिन्ना कोई सफर रहा। चलो ठीक है हुण मिलदे आ। अज स्पॉट भी जिहड़े देखे बहुत वधिया आ। अज जिहड़े स्पॉट सी ओह डिफरेंट सी यानि कि नॉर्मल स्पॉट्स नालों। चलदे आ जी इस लेक नूं कहिंदे आ बाय बाय। इस तो अगे आ खाप संगम उत्थे आपां रुकांगे लंच लई। चलो फिर चलिए। इत्थे मटर की खेती हो रही है। हाँ नाको सोहना पिंड है। इत्थे लेक भी सोहनी आ मतलब वधिया लगी। पहले सानूं आए सी कि छप्पड़ वाला काम ना होवे पर सोहनी सी काफ़ी लेक। हुण टाइम पूरा 1 बज चुकिया। इत्थों खाप संगम आ 22-23 किलोमीटर आ। 45 मिनट का रास्ता। भैया कल्पा को नीचे को
ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਡਦੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਖਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੋਡ ਨੇ ਯਾਰ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਖਾਬ ਸੰਗਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਬ ਬਟ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਪੀਤੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖਾਬ ਸੰਗਮ ਇਹ ਥੱਲੇ ਢਾਬਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਚ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਪੀਤੀ ਰਿਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦਾਲ ਚੌਲ ਮੰਗਾਏ ਆ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪੀਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪੀਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ 1.5 ਕਿਤਨਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੇੜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਮ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੀਓ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸਟੋਪੇਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੀਓ ਹੋਊਗਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਮਪੁਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਿਓਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕਿਨੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਚਿਓਰੀ ਹੋ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਈਏ ਚਿਓਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਆ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਪੀਤੀ ਰਿਵਰ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਪੀਓ ਤੱਕ
रिकोंग पीओ पहुँचने वाले हाँ। असी जा रहे थी और नैक्सट टर्न पर अगे पत्थर डिगे साढ़े अगे होर भी डिगे पत्थर, फिर असं वापस आ गए। हम थोड़ा पिछे खड़े हाँ, गड्डी आ रही है, हम गड्डी वाले भी रोक दे। पत्थर गिर रहे हैं आगे, वो हमारे सामने गिरे हैं, अभी हमें तभी रुके, वो आगे देख रहे हैं ना, चार पांच उधर गिरे हैं, अभी रुक जाओ 5 मिनट। तो यार थोड़ा जा ध्यान रखना पैंदा, इतने अमृत चला रहा है, अमृत ने देख लिया बाबा पहले ही पत्थर डिगे आ, तो असं अजे पिछे रुके हैं, तो उत्तों होर वड्डा पत्थर आ के सीधा जिहड़ी रेलिंग लगी है नाल उहदे उत्ते वज्जिया। तो असं बैटर सोचा कि थोड़ा रुके जाइए, कानू रिस्क लैना, थोड़ा देख लीए। सानू यार हुण हो गए 10 मिनट, हुण तां खैर कोई उत्थे खड़का दड़का होया नहीं, तो असं हुण हिल दे नाल नाल करके कढ़न लगे हाँ। लैट्स होप के कुछ ना एवें दा होवे। जिमें पहला भी दसिया कि रामपुर तो आई थिंक 10-15 किलोमीटर पहला हो गई लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड भी बहुत तगड़े वाली है, कल दी हुई है। तो साढ़े दिल्ली वाले भाई थे जेडे वो अगे चल गए थे, उन्होंने सानू इनफॉर्म करता सी पहला। उत्थे होटल वगैरह तो मिले नहीं, बाबा नगर उत्थे नेड़े टाउन ते असी हाँ इस टाइम तापरी दे विच। लैंडस्लाइड कदों ओपन हो उहदा कुछ नहीं पता, क्योंकि कल दी हुई है, मतलब अज अर्ली मॉर्निंग दी हुई है, अजे तक तो ओपन नहीं हुई लैंडस्लाइड। हुण देखदे हां, कह रहे ने शायद मॉर्निंग तक ओपन हो जाए रोड, मतलब काफ़ी मेजर लैंडस्लाइड उत्थों ना तो कोई तुर के लंघ सकता ते ना ही ईवन बाइक ने तो लंघना ही की आ। असी रिकोंग पीए तो 33 किलोमीटर अगे हाँ, राइड करन दा अज बहुत मज़ा आ रहा जी। साडा सलाह सी वी असी नारकंडा कढ़ दांगे, बट चलो जो किस्मत च लिखिया, वैसे भी नारकंडा इत्थों 2.5-3 घंटे दे रास्ता। हुण सुबह होपफुली जो रोड आ वह खुल जूगा, फिर अगे जा हो। कल लास्ट दिन है साडा, असी इतों खिंच देने घर तक, क्योंकि साडा जो आई थिंक कल अमृत किन्ना 350 कल 350 किलोमीटर इतों साडा घर हो जाएंगे सरहंद फतेहगढ़ साहब। 9 घंटे की ड्राइव आ, इन्नी तो असं अज भी करी आ। होपफुली रोड जो सुबह अर्ली मॉर्निंग खुल गया तो इतों 6 बजे अं चले तो आराम असी 10-10 ही बज जाना असी सरहंद खिंच देना, क्योंकि हुण घर दी भी थोड़ी याद आ रही है, काफ़ी दिन हो गए घरों निकले नूं भी। उम्मीद आ कि अज जो भी सारा तुसीं वीडियो देखे तुहानूं पसंद आई होणगीआं, ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करिओ। ते मिलदे आ हुण कल नूं नवीं अपडेट दे नाल, देखदे आ रोड खुलदा कि नहीं। टिल दैन गुड नाइट, बाय बाय।